हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और ऐसे बच्चे जो 12th क्लास में या 10th क्लास में थे, उनका रिजल्ट आने वाला 29 अप्रैल को एमपी बोर्ड में। अदर बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे चैनल में सीजी से भी जुड़े बच्चे, यूपी से भी जुड़े हैं, बिहार से भी जुड़े हैं, हर जगह जुड़े हैं। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मेरे यहाँ का आ गया, तो हालांकि बिहार का तो आ गया है, तो सीजी और यूपी वालों का अभी नहीं आया है, लेकिन एमपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है 29 अप्रैल को। बड़े बेसब्री से इंतजार था सभी को, डेली व्हाट्सएप पर मैसेज करते थे सर बताइए कब रिजल्ट आने वाला है, 100% न्यूज क्या है। और बहुत सारे तो फेक न्यूज को हमारे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट शेयर करते हैं, थोड़ा सोचा नहीं करते हैं यार कि यार जब 100% अपडेट आएगा तो मैं खुद बना के देता हूं आपको, है ना। आप श्योर रहा करो कि जब भी एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है और 100% श्योर होता है, सही होता है, तो मेरे चैनल में आपको सही जानकारी ही दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको 10 दिन से रेगुलर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूं कि बच्चा लो आ गया रिजल्ट। ऐसे में मैं ये नहीं चाहता किसी के मन में प्रेशर आ जाए। अब बहुत सारे बच्चे, आज तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका, तो बहुत सारे बच्चों के मन में प्रेशर होगा। अब देखते हो कई सारे जो है अनहोनी घटनाएं भी हो जाते हैं, कई सारे लोग सुसाइड करने के लिए सोच लेते हैं कि सर मेरा मन नहीं करता, मैं इतना क्या कर रहा हूं। तो ये सब चीज नहीं सोचना चाहिए, जैसा भी आएगा अच्छा रहेगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। जिसका जितना भी मेहनत रहा होगा जरूर अच्छा रंग लाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बच्चे निराश होने की अवस्था में है, जो निराश होने की कंडीशन में है कि सर हमारा रिजल्ट, अरे यार परसेंटेज कुछ नहीं है। आज की डेट में तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको यदि एडमिशन लेना है सीयूईटी के माध्यम से, लोग कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं, बस 2 दिन का खेल रहेगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, 2 दिन से हाइपर टेंशन ना रहे कि भाई हमारा अब क्या होगा। जो भी होगा अच्छा होगा, जो आपने पढ़ा होगा, जो आपके पास नॉलेज रहा होगा तो उतना तो आएगा ही। नॉलेज से भी ज्यादा परसेंट आ गया तो आपको किस काम का कोई मतलब नहीं, आपको आपके सर में बोझ हो जाएगा। आप यदि मान लो नहीं पढ़ते हो, आपका आ जाए 85%, अब आपके लोग बोलेंगे यार इतना पढ़ते थे, अंदर से शर्मा जाओगे। तो परसेंटेज के लिए मतलब आप इतना प्रेशर मत लेना। हाँ, एमपी बोर्ड में अभी ऐसा सिस्टम है कि इसे बीएससी करना है तो परसेंटेज से हो जाता है, पीपीटी नॉन पीपीटी वगैरह जहां एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता वहां परसेंटेज से ले लिया जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यदि बेहतर पढ़ने वाले हो तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा ही होगा। रिजल्ट जैसा भी रहा मेरे बच्चों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका 70% आ रहा, 75% आ रहा, 50% आ रहा है, लेकिन उससे आपको हताश नहीं होना, निराश नहीं होना है। आपके पास हुनर टैलेंट होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज की वैल्यू नहीं होती है। मैं अभी बता रहा हूं, परसेंटेज ना कहो 4 दिन की चांदी, फिर से अंधेरी रात होती है। तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे। और हाँ, जो भी बच्चा हमारे चैनल में लगातार 1 साल से पढ़ते आ रहा है तो उसका जो भी रिजल्ट रहा होगा वो अपना अनुभव शेयर जरूर करना। इसके लिए मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर या आप लोगों को पता होगा 96 85 29 51 49 में एक छोटा सा वीडियो क्लिप भेज देना, मैं आपको फिर उस दिन बताऊंगा जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, उस दिन मैं आप लोगों से संपर्क करूंगा। उसमें आपको एक वीडियो जो बनाना है, मात्र आपको 50 सेकंड से 1 मिनट से कमी बनाना है कि आपका 1 साल कैसा रहा और हमारे चैनल में आपने पढ़ाई करके कितना परसेंटेज लाया, ये आपको बना कर देना है। कब देना है वो रिजल्ट आने के बाद कि आपके कितने परसेंटेज हैं, और अपना स्क्रीनशॉट भी भेज देना कि हमने इतना नंबर लाया भाई, तो अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों आप लोग बेहतर रूप से अच्छे ढंग से आगे की जिंदगी की तैयारी कर रहे हो भैया, कि हमको अब बीएससी करना है, बीएससी नर्सिंग करना है, बीटेक करना है, नीट की तैयारी करना है, जेईई की तैयारी करना है, जो भी करना हो बेहतर रूप से। मैंने बहुत सारे करियर गाइडेंस पर वीडियो भी ला दिया है। आप लोग यदि चाहोगे कि अब 12th का रिजल्ट तो आ ही जाएगा, एमपी बोर्ड के सभी बच्चे परेशान रहेंगे कि कौन सा डिप्लोमा करें सर, कितना परसेंटेज में क्या करना चाहिए, इस पर भी मैं आपके लिए वीडियो शेयर कर दूंगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पर डिपेंड कर रहे हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे आपके छोटे भाई बहन 11th क्लास में हैं, उनका जो कोर्स है दूसरे चैनल पर चालू हो चुका है और 12th का न्यू बैच भी स्टार्ट हो चुका है। तो भाई अपने घर के भी छोटे भाई बहन को शेयर करो यार कि अब जो भी अभी तक जो जिंदगी था ठीक है, 10th वाले 11th की पढ़ाई करें, 11th वाले 12th की पढ़ाई करें, अब बिल्कुल समय बर्बाद ना करें। क्योंकि हम एक सीख लेते हैं कि हमने क्या किया 1 साल में, तो हमारे छोटे भाई बहन क्या ना करें। ये चीज़ अपने घर में अवगत कराना बहुत ज़रूरी होता है, आप क्या गलती किए 1 साल में, हमारे छोटे भाई बहन क्या गलती ना करें। इसके लिए हमें अपडेट रहना चाहिए और अपने घर को, है ना, एक जो गलतियां हैं फिर से गलतियां ना हो, यानी रिपीट ना हो, इसके लिए आपको अवगत रहना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जैसा भी रहा रिजल्ट यार, मैं अपना पर्सनल नंबर व्हाट्सअप नंबर दे दिया हूं, उसी में आपको मैसेज करना, अपना स्क्रीनशॉट भेजना, रिजल्ट भेजना है, ताकि मुझे भी लगे यार कि जो बच्चा हमारे चैनल से पढ़ाई की है वाकई में कुछ अच्छा कर रहा है कि कुछ अच्छा नहीं कर रहा, कि बिल्कुल सबके सब क्या है नकलची है एमपी बोर्ड के, ऐसा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि 10% बच्चे अभी भी जिंदा हैं जो मेहनत करते हैं, जो वाकई में ज्ञान नॉलेज पर, है ना, डिपेंड होते हैं, कि वास्तव में वो भरोसा करते हैं कि हमने इतना पढ़ा है और नॉलेज ही सब कुछ है। 90% तो मुझे पता है कि फेंकी है, क्योंकि भाई साहब एग्जाम के टाइम में भी जो यदि
क्वेश्चन पेपर ढूंढे, वो वाकई में एक स्टूडेंट नहीं होता है। जो वाकई में स्टूडेंट होता है वो एग्जाम के एक दिन पहले तक भी यही सोचेगा कि हम एक बेहतर रूप से तैयारी किए हैं और बेहतर रूप से पेपर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता उसको एक दिन पहले तो पेपर चाहिए होता है, चाहे फेक ही पेपर हो। तो मैं उन सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा जो वाकई में जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं अपने लाइफ में, जो भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे तो नर्वस होंगे कि सर नकल करने वाला बंदा तो 95 आ गया, मेरा तो 90% है, 5% का डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज कागजी है भाई, कागजी नॉलेज तो आपके दिमाग में, आपका नॉलेज ही आगे बढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। मेरे से भी अच्छे परसेंटेज वाले बच्चे है ना, या कि जो मेरे साथ स्टूडेंट रहे होंगे, जो मेरे साथ सहपाठी रहे होंगे, हो सकता है घूम भाग रहे होंगे, हो सकता है मैं एक सही काम कर रहा हूँ, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों का लाइफ एक बेहतर है और मैं बस इंतजार करूँगा आप लोगों का 29 अप्रैल को शाम तक इंतजार करूंगा। जो भी अपना रिजल्ट अपडेट कर रहेगा तो भेज देना भाई साहब, मैं भी देखूंगा। चलिए ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अपडेट था इसलिए मैं सोचा बता दूं, क्योंकि बहुत सारा मैसेज जब आता रहता है भाई साहब, तो मैं बताता हूं कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आपको शेयर करूंगा। आप बिल्कुल चिंतित न रहें, मतलब चिंता ना करें। चलें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।